यूनाइटेड सिक्स वालों चलाए गए कीर्ति प्रोजेक्ट के तहत स्वै रोजगार लिए नौजवानों नु दित्तियां गईयां ई रिक्शा दियां चाबियां। लिंक रोड सिंबल कैंप जम्मू विखे यूनाइटेड सिख संस्था वालों कराए गए एक प्रोग्राम दे विच कीर्ति प्रोजेक्ट के तहत बेरोजगार सिख नौजवानों नु स्वै रोजगार लिए ई रिक्शा मुहैया करवाए गए ताकि वह किरत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकन। दर्शन सिंह जी जो सिंबल कैंप रहिंदे ने इन्हां नूं ई रिक्शा प्रोवाइड करवाया गया है तो चाबियां इन्हां नूं सौंपते हुए बोले सोनेहा। दलजीत सिंह जी आ जान स्टेज ते। इन्हां नूं ई रिक्शा जिहड़ा सरपंचां वल्लों सरपंच साहब वल्लों दोवें सरपंचां नूं असीं बेनती करांगे कि वह भी स्टेज ते आ जावन क्योंकि सानू अगे इन्हां दी बहुत लोड़ पैनी है तो ये ई रिक्शा की चाबी जिहड़ी है इन्हां नूं दे रहे ने। बोले सोनेहा। असीं आस करते हाँ कि वीर दलजीत सिंह जी अपने परिवार का जड़ा है गुजारा अपनी किरत करके हुण वधिया तरीके दे नाल करनगे। इस प्रोग्राम दे विच सिंबल कैंप निवासी बच्ची मनप्रीत कौर नूं डॉक्टरेट करन ते सन्मानित किया गया ते नाल ही कौमी शहीद सरदार जसबीर सिंह जी दे माता जी नूं भी सन्मानित किया गया। तुहानूं दस दईए कि साडे कोल इक शहीद परिवार दे माता जी बैठे ने शहीद डॉक्टर जसबीर सिंह जी दे माता जी उह भी साडे विच मौजूद ने। असी सरपंच साहब सरपंच रविंदर सिंह जी और राजिंदर सिंह जी दोवां नूं बेनती करते हाँ कि वह स्टेज पर आउन अते नाल ही यूनाइटेड सिक्स के वॉलंटियर वीरस भी दो चार जड़े ने उस स्टेज पर खड़े हो जान। असी माता जी का जड़ा यूनाइटेड सिक्स वल्लों क्योंकि शहीद परिवारां नूं सांभना इन्हां वीर वीर बलवीर सिंह जी भी आ जान इन्हां शहीद परिवारां नूं सांभना जड़ा आ इन्हां वड्डियां संस्थावां का जड़ा है वह काम हैगा तो असी माता जी नूं भी बेनती करांगे कि माता जी स्टेज ते आउन ताकि असी उन्हां दा सत्कार अते मान सत्कार जड़ा है वह कर सकीए क्योंकि साडे कोल लफ्ज़ भी नहीं हन इन्हां दीआं जिहड़ीआं इन्हां दे बच्चे दीआं शहादतां दा कारनामे दसण वास्ते। बोले सोनेहा। मेरी तो जुबान जड़ी है वो कंबन लग पैंदी है जदों भी असी एहो जिहे परिवारां नूं अपने विच देखदे हाँ एहो जिहे परिवारां नूं सांभण लई इह जिहड़ियां सिरमौर संस्थावां ने इह अगे आउणियां चाहीदियां ने ते कुछ को आ भी रहियां ने क्योंकि साडे इस इलाके दे विच भी होर भी बहुत सारे ऐसे परिवार ने जिन्हां दे परिवारां दे बच्चे जिहड़े है कौम दे लई अपनियां जानां निछावर कर गए। असीं चाहुंदे हां कि इहो जिहे परिवारां दे तक पहुँच करके उन्हां दा मान सत्कार जिन्ना भी हो सके क्योंकि असीं इस काबल भी नहीं है कि असीं इन्हां दा मान सत्कार कर सकीए पर असीं जिन्ना भी हो सकता है इन्हां दा असीं मान सत्कार करिए। नवें डॉक्टर साहब साडी भैन मनप्रीत कौर जी का भी सन्मान करना है। ये डॉक्टर मनप्रीत कौर जी बोले सोनेहा। ये साडी कौम का फ्यूचर ने आउन वाला जड़ा समा है सानू इस तरह के ही बच्चे जड़े है वो चाहिए ने क्योंकि यही बच्चे साड़ी कौम का भविख बनणगे अते साड़ी कौम नू सांभणगे। कितना चंगा होवे इस तरह के बच्चे जदों ऑफिसर बन के साडे ही इलाके दे विच आउन तो किन्ना मान अते फखर महसूस होवेगा साड़ी कौम नू। सो अंत दे विच मैं यूनाइटेड सिख ऑर्गनाइजेशन का एक छोटा जा निमाना जा सेवक होण दे नाते आप समूह साध संगत इत्थे आए हुए मेरे सारे वीर मेरे बजुर्ग साडे विद्वान जिन्हें भी इत्थे आए ने उन्हां सारयां दा यूनाइटेड सिख ऑर्गनाइजेशन दे तरफों बहुत बहुत धन्नवाद करदा हाँ।
पर एक बेनती मैं अपने वीरां नूं अंत दे विच करना चाहवांगा जिसका हवाला सरपंच साहब पहले आप नूं दे गए ने कि तुहानूं अगर ये रिश्ते दिते गए ने यूनाइटेड सिख के तरफों इन्हां नूं सिर्फ ते सिर्फ अपनी किरत करनी है अपना परिवार का पालन पोषण करना है क्योंकि अज मैं नाम नहीं लाँगा नाम लैंदिया तो बदनामी अपने इलाके की होंदी है कुछ ऐसे नौजवान ने जिहड़े ई रिक्शे की आड़ ऐसे ऐसे काम कर रहे ने देखने सानू लगेगा कि ये कीर्ति नहीं ई रिक्शे चला रहे ने पर उस दे विच ही चिट्टे वर्गे भयानक नशे की जितों वरतों करते हैं उत्ते उस भयानक नशा जिहड़ा है वह सप्लाई भी करते हैं सो वीरां नूं बैठा ये बेनती करांगा कि यह संगत की माया के नाल तुहानूं ये जिहड़ा ई रिक्शे प्रोवाइड करवाए गए ने सो अपनी जिते तुसीं परिवार का पालन पोषण करता है कीर्ति बन के यूनाइटेड जिहड़ी ऑर्गनाइजेशन का नाम जिते उच्चा करना है उत्ते अपने परिवार का पालन पोषण भी करना है सो अंत दे विच एक बार फिर यूनाइटेड सिख ऑर्गनाइजेशन की तरफों आप समूह साध संगत का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद इतनी क्यों बेनती परवान उल गलती की खिमा जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।